भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्विटर पर नई जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस भारत निर्वाचन आयोग भेज रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार आक्रामक रवैया अपनाने वाले भाजपा सांसद ने इसके साथ ही गढ़वा के उपायुक्त पर भी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा, झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है। पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर आज फिर सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, झारखंड में बालू की किल्लत के कारण निर्माण उद्योग से जुड़े काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यवसायी बता रहे हैं कि 26 सालों में ये सबसे भयावह स्थिति है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।